हे पावरफुल वुमन, मेरा नाम राबिया नासिर महमूद है और मैं सीईओ हूँ और फाउंडर हूँ द लीडिंग वुमन इन द वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड की। सो हमारी कंपनी एक ई कॉमर्स कंपनी है और डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। हम आजकल इस चीज़ पे बात कर रहे हैं कि लोगों को एजुकेट करें कि वो किस तरह ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं अर्न स्मार्टली के नाम से, ठीक है। तो 90 डेज का स्टार्टअप जो है इसकी एक सीरीज में 19 डेज की वीडियो सीरीज है, जिसमें हमने आपको पहले बताया कि नीश सिलेक्शन क्या है, और आज हमारा दूसरा टॉपिक है बिजनेस मॉडल। तो बिजनेस मॉडल की आज हम आपसे बात करेंगे कि बिजनेस मॉडल क्या क्या होते हैं, किस तरह हम अपने बिजनेस, जब हम अपना बिजनेस या अपना आइडिया लॉन्च कर रहे होते हैं या अपना कंपनी बनाने का या स्टार्टअप बनाने का सोच रहे होते हैं, तो किस तरह हेल्प आउट करते हैं। सो बिजनेस मॉडल अगर हम देखें तो या तो वो B2B होते हैं यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, B2C यानी कि वो बिजनेस टू कस्टमर, और इसके अलावा सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल होते हैं, ऑन डिमांड मॉडल होते हैं। ज़्यादातर B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस मॉडल भी बहुत चलते हैं, B2C बिजनेस टू कस्टमर मॉडल भी बहुत चलते हैं। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन मॉडल आजकल इंटरनेट की दुनिया में बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, जिसमें जो है आप सब्सक्राइब कर लेते हैं किसी भी सर्विसेज को, मंथली या क्वार्टरली या ईयरली पे कर देते हैं और वो आपको उसकी सहूलत मिलती रहती है। जैसे कि फोर्ब्स एक जो है न्यूज़ लेटर प्रोवाइड करता है, जिसमें वो सारी जो है बताता है कि मतलब वेल्दीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड कौन कौन से हैं, पावरफुल वुमेन कौन कौन सी हैं, इस बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। एक कंपोजिट सर्वे करके कि दुनिया में कितने लोग की लिस्ट में क्या क्या आ रहा है, तो उसका न्यूज़ लेटर अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मंथली पे करना पड़ता है। सो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल तो ये हो गया। इसके अलावा ऑन डिमांड मॉडल, जैसे कि अगर आप बुकिंग कराते हैं होटल्स में या आप टिकट अपनी बुक कराते हैं, तो ऑन डिमांड मॉडल ये हो गए। सो आप अपना जब बिजनेस लॉन्च करते हैं तो देखें कि आप किस मॉडल में लाइक करना चाह रहे हैं, मतलब फॉलो करना चाह रहे हैं, या कौन सा मॉडल किस तरह आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। क्या आप कस्टमर्स को सहूलत देना चाह रहे हैं जो आपकी सर्विसेज हैं, क्या आप बिजनेसेस को सहूलत देना चाह रहे हैं, या आप सब्सक्रिप्शन मॉडल बनाना चाह रहे हैं, या फिर आप ऑन डिमांड मॉडल में जाना चाहेंगे। कौन सी सर्विस आप इंटरनेट की दुनिया में लोगों को प्रोवाइड करना चाहेंगे, ये बात यहाँ काबिले जिक्र और बहुत ज़्यादा अहम है कि आप इस बात को समझें कि इंटरनेट की दुनिया एक बहुत ज़बरदस्त और वसी दुनिया है। यहाँ पे काम करके आप फिजिकल प्लेस पे जो आपकी शॉप या दुकान बिजनेस या आपकी फैक्ट्रीज या आपके मॉल्स हैं, आप उससे आप अच्छा खासा यहाँ इस दुनिया में भी कमा सकते हैं। सो मैं आपको दो आज मिसालें देना चाहूंगी, एक अमेज़ॉन की और एक आपको ज़मीन.com की। अमेज़ॉन एक अमेरिका के एक पर्सन जेफ बिजोस उनका नाम है, उन्होंने उसको फाउंड किया था, मतलब उन्होंने बनाया था 5 जुलाई 1994 में। सो जब उन्होंने ये बनाया था तब वो ये चाहते थे कि किस तरह बुक सर्विसेज को डिजिटली लॉन्च किया जाए और लोगों को घर बैठे किताबें मुयसर हों। उनका वो आइडिया बहुत काम किया। देखिए उन्होंने B2B, उनका मॉडल अब B2B भी है, B2C भी है। इसके अलावा उनकी Amazon वेब सर्विसेज के जरिए वो वीडियो और ऑडियो स्ट्रीमिंग भी देते हैं, इसके अलावा वो पब्लिशिंग की सर्विसेज भी देते हैं। लेकिन इवेंचुअली जब उन्होंने लॉन्च किया तो सिर्फ वो यही चाह रहे थे कि सिर्फ किताबों की सर्विसेज को किस तरह लोगों तक ऑनलाइन पहुंचाया जाए। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी वो आगे बढ़ते रहे और उन्होंने अपनी मजीद सर्विसेज को लॉन्च किया। सो मतलब उनका जो ई कॉमर्स का सेटअप था, एक ई कॉमर्स की कंपनी थी, वो ग्रो हुई। और आपको पता है कि ऑनलाइन ये इंटरनेट की दुनिया में जो ई कॉमर्स कंपनी होती है वो प्रोडक्ट्स को सेल करती है और खरीदार तक पहुंचाती है घर बैठे। सो उन्होंने उनका ये आइडिया वर्क किया। सो इनिशियली उनका मॉडल जो था वो B2C था और आहिस्ता आहिस्ता चीजें बढ़ती रही, B2B हुआ और आगे भी उन्होंने आप इंटरनेट की कुछ सर्विसेज लॉन्च की। सो जेफ बेज़ोस, आपको मैं बताती चलूं, 2017 से 2021 तक दुनिया के तीसरे बड़े अमीर शख्स थे, जिनकी आमदनी का तखमीना जो है वो $160 बिलियन जो है था। सो जबरदस्त स्टोरी है ये, आपको इंस्पायर कर सकती है कि किस तरह इंटरनेट की दुनिया में आके आप अपनी चीजें लॉन्च कर सकते हैं और अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अगर मैं एग्जांपल देना चाहूं तो मैं आपको एग्जांपल दूंगी ज़मीन.com की। ज़मीन.com एक ऐसा प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म है जो प्रॉपर्टी के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। सो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें 3700 के करीब जो है वो प्रॉपर्टी सोसाइटीज हैं। इसके अलावा उसमें
1.6 जो मिलियन है वो प्रॉपर्टीज रजिस्टर हैं और 1.8 मिलियन लोगों को वो कैटर करती है, वो वेबसाइट, वो उसका प्लेटफॉर्म, और वो इस उनका एक और जो है मॉडल में उन्होंने जो बनाया वो एक्सपो के जरिए भी अर्निंग करते हैं। सो ये उन्होंने स्टार्ट किया था 2006 में पाकिस्तान में, ज़ीशान अली साहब और इमरान अली साहब ने। तो उनका ये आइडिया काम किया पाकिस्तान में, वो प्रॉपर्टी का एक सिर्फ वो वाहिद एक ट्रस्टेड, और भी प्रॉपर्टीज के वो जो है ना प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो एक ट्रस्टेड वेबसाइट है जिसपे आप जाके प्रॉपर्टी के बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। आपको पता चल सकता है आपकी सोसाइटी में कहाँ किस जगह कितना रुपीज का घर बैठे घर खरीदें। तो यानी कि उन्होंने ये सोचा कि कौन सा बिजनेस मॉडल वर्क कर सकता है इंटरनेट की दुनिया में, तो उन्होंने B2C को प्रेफर किया। तो यानी कि अगर आप ये सोच के चलेंगे कि इंटरनेट की दुनिया की अहमियत क्या है, आप इससे कैसे फायदा उठा सकते हैं, आप अपना बिजनेस कैसे इस पे एस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो आप इसमें बहुत आगे बढ़ सकते हैं। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं, आप अपना फीडबैक मुझे जरूर दें। और इसके अलावा अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेरे पास ट्रस्टेड क्लाइंट्स जिन्होंने हमारे साथ मिलकर काम किया और पैसे कमाए, अपना बिजनेस लॉन्च करके एक साल के अंदर एक बहुत ही सस्टेनेबल बिजनेस उन्होंने बना लिया अपना, तो हम आपको गाइड करेंगे, मेरी टीम आपको मेरे तक रब्ता करा देगी। ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन आप मुझसे ले सकते हैं, मैं यहाँ लिंक पेस्ट कर दूंगी। सो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।